वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम आपको एक बहुत ही हेल्दी और डाइट स्पेशल रेसिपी सिखाने वाले हैं और वो रेसिपी है ओट्स उपमा। इसकी रेसिपी जानने इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे बनाने के लिए हम हाफ कप सूजी लेंगे, हाफ कप ओट्स लेंगे, 2 टेबलस्पून हरे मटर लेंगे, 2 टेबलस्पून गाजर लेंगे, 1 छोटा कैप्सिकम लेंगे, 1 छोटी प्याज लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे और 1 टेबलस्पून काजू लेंगे। अब सबसे पहले हम एक बर्तन में 2.5 कप पानी लेंगे और इसे उबलने के लिए रखेंगे और इसके अंदर मटर डालेंगे और गाजर भी डाल देंगे ताकि सब्जियां भी इसके साथ उबल जाए। सब्जियां जब तक उबले तब तक हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम ओट्स को रोस्ट करेंगे और स्लो गैस पर हमें जब तक ओट्स का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक इसे ऐसे ही रोस्ट करना है और कंटिन्यूसली ऐसे ही चलाते रहना है। देखिए अब हमारे ओट्स रोस्ट हो चुके हैं। हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे और राई अच्छी तरीके से फूट जाए इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें 3 से 4 करी लीव्स डालेंगे और इन सबको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही हम पकाएंगे ताकि दाल का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च के बाद हम इसमें काजू के टुकड़े डालेंगे और इन सबको हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे और फिर से इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज और कैप्सिकम कच्चे ना रहे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और सूजी डालने के बाद हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर ऐसे ही चलाते रहेंगे और सूजी का कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके साथ साथ ही जो ओट्स साइड पर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ओट्स ना हो तो आप सिर्फ सूजी का भी उपमा बना सकते हैं। देखिए हमारी सूजी और ओट्स सिक गए हैं। अब हम इसमें जो पानी उबलने के लिए रखा था वो सारा डाल देंगे और साथ साथ मटर और गाजर भी इसमें डाल देंगे और जब तक पानी जल ना जाए तब तक हम इसे ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि सब अच्छी तरीके से पक जाए और इसका स्वाद सब में घुल जाए। देखिए अब पानी थोड़ा जल गया है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और नमक डाल के फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना दही डालेंगे और इसे भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और धनिया डालने के बाद फिर से सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो तैयार है हमारी डाइट स्पेशल हेल्दी रेसिपी ओट्स उपमा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाने वाले डाइट स्पेशल इडली जो कि सूजी और ओट्स से बनी है। इसके लिए हम 1 कप ओट्स लेंगे, 1 कप सूजी लेंगे और 1/2 कप दही लेंगे। और सबसे पहले हम जो ओट्स लिए हैं उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन गर्म करेंगे और उसमें ये ओट्स डाल देंगे। ओट्स डालने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसे 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक मिक्सर जार में निकाल देंगे और इसे क्रश करके इसका फाइन पाउडर बना देंगे। इसका पाउडर तैयार है। अब एक कांच का बाउल लेंगे और हमने जो पाउडर बनाया है ये उसमें निकाल देंगे। अब जो हमने सूजी ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो 1/2 कप दही लिया है वो भी डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम इसे पहले मिक्स कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा और पानी डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर तैयार है। हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तब तक हम एक कढ़ाई में पानी डाल के उसे गर्म कर देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा बैटर हम फिर से मिक्स कर चेक कर लेंगे। अब हम एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। राई हमारी फूट जाए उसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे और बाद में थोड़े से करी लीव्स डालेंगे और इस तड़के को हम बैटर में डाल देंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम बैटर में 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून
सोडा डालेंगे। और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इडली की प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब प्लेट को हम कढ़ाई में रख कर उसमें इडली का बैटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। इडली और 10 मिनट बेक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हमारी इडली तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। ओट्स इडली को हम कोकोनट चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये इडली डाइट के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। पिज़्ज़ा एक ऐसी रेसिपी है जो सब लोगों को पसंद आती है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे नहीं खा पाते। तो आज हम आपको पिज़्ज़ा का एक हेल्दी वर्जन सिखाने वाले हैं। उसकी रेसिपी जाने उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको हेल्दी ओट्स पिज़्ज़ा सिखाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून ओट्स लेंगे और ये रेसिपी इंस्टेंट है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून सूजी डालेंगे। और इसके बाद 2 टेबलस्पून फ्रेश दही डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1/2 टीस्पून ओरेगानो डालेंगे और इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और एक बार इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा बैटर हम बना देंगे। इसका हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। देखिए, इस तरीके का गाढ़ा बैटर हमें इसका बनाना है। और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद खोलकर हम इसे चेक करेंगे और एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सूजी होने की वजह से ये थोड़ा फूल गया है और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन गर्म करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा देंगे। अब हमने जो बैटर बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ा फैला देंगे और हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसे अच्छी तरीके से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देंगे।
और इसे मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पलट कर चेक कर लेंगे। देखिए ये एक तरफ से हो गया है और अब हम इसके ऊपर की साइड पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी हमने अपने पहले के पिज़्ज़ा के अलग अलग वीडियो में बताई है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। चीज़ के बाद हम इसके ऊपर कैप्सिकम लगाएंगे, जो हमने स्क्वायर में काट लिए हैं। और कैप्सिकम के बाद हम इसमें ऑनियन लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे और अब हम ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। और ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे ढककर जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और हमारा हेल्दी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।